टारगेट यह है कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम 10 से 12 बॉडी बिल्डर्स हैदराबाद से सेलेक्ट होकर इंटरनेशनल लेवल पे जाके पार्टिसिपेट करें, जैसा कि मिस्टर एशिया कंपटीशन होता है, मिस्टर वर्ल्ड है, मिस्टर यूनिवर्स है। तो ऐसे लेवल पे जाके अगर हमारे बॉडी बिल्डर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैं, जैसा कि मैं अपनी टेक्निक को यूटिलाइज़ करके उनको अच्छे तरीके से मैं ट्रेन कर सकता हूँ, जैसा दूसरे जो जिम्स है, मेरे वालिद साहब के नाम से जिम्स चल रहे हैं, मैं उसमें ट्रेनिंग देता हूँ, और एक छोटी सी एकेडमी भी चल रही है उसमें मैं जैसा ट्रेनिंग दे रहा हूँ बॉडी बिल्डर्स को। मिस्टर इंडिया में वो प्लेस ले रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल में भी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ के दो बच्चे जो मेरे अंडर में मिस्टर वर्ल्ड के लिए चले थे, लक्ष्मण रेड्डी, उन्होंने मेडल हासिल किया, फिर राजू यादव ने मेडल हासिल किया। तो मैं चाहता हूँ कि कई बच्चे यहाँ से जाए और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल हासिल करें। अब जब बॉडी बिल्डर को स्पॉन्सरशिप की बात आती है तो वो मीडिया के सामने बार बार आके ये कहना पड़ता है कि भाई बॉडी बिल्डर्स के लिए कुछ कीजिए, बॉडी बिल्डर्स को स्पॉन्सर कीजिए, ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। खुद गवर्नमेंट देखना चाहिए, देख के कोई बच्चा अगर इंटरनेशनल लेवल पर सेलेक्ट होता है उसको बुला के तहनीत पेश करके उसको जब का जब ही अवार्ड देना चाहिए। देखिए, आप सानिया मिर्ज़ा को जाने से पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, एक 1 CR उसको दिया गया, फिर जीतने के बाद 1 CR ऐसा इंकरेजमेंट मिला तो कई मेडल्स हमारे इंडिया के लिए आ सकते हैं। तो मैं यही उम्मीद रखता हूं कि तेलंगाना गवर्नमेंट बॉडी बिल्डिंग एकेडमी के लिए, लैंड के लिए कुछ ना कुछ करेगी हमारे लिए।